जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में राणा थारू परिषद के बैनर तले लोगों ने आक्रोश दिखाया। थारू जनजाति समाज के लोगों ने एकजुट होकर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अजय सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कोतवाली प्रभारी और SDM खटीमा को ज्ञापन सौंपकर प्रोफेसर रावत के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी की। आपको बता दें कि अजय सिंह रावत द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास में थारू जनजाति समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि थारू जनजाति के लिए अपमानजनक और अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे थारू समाज काफ़ी आहत है और दुखी है। वहीं थारू जनजाति समाज को भविष्य में अपमान और समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आक्रोशित थारू जनजाति समाज के लोगों ने खटीमा कोतवाली प्रभारी और खटीमा SDM रविंद्र बिष्ट को ज्ञापन सौंप कर प्रोफेसर अजय सिंह रावत के खिलाफ कार्रवाई कर उक्त पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने और अपमानजनक शब्दों को मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से हटाने की मांग की है। वहीं खटीमा SDM रविंद्र बिष्ट ने बताया कि प्रोफेसर अजय सिंह रावत द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास में थारू जनजाति के खिलाफ कुछ अशोभनीय टिप्पणी की गई है। जाति समुदाय के लोग मेरे पास आए थे, द्वारा ये कहा गया कि डॉक्टर अजय रावत उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, उसमें कुछ थारू जनजाति के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जिससे शोभित दुखी होकर ये लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन हम उचित माध्यम से वहाँ पहुँचा रहे हैं। आज अजय रावत जी ने जो हमारे समाज के लिए जो लिखा है, इससे पूरे समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और हम पूरा समाज इनकी निंदा करते हैं और हम तो ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन से कहना चाहेंगे कि ऐसी कोई किसी वर्ग के लिए ऐसी टिप्पणी ना की जाए जिससे उनके समाज को ठेस पहुँचे, और हम तो चाहते हैं उनके खिलाफ़ कोई ना कोई उचित कार्रवाई हो।